+1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर। आज हम +1 पॉलिटिकल साइंस का बुक 2 लेसन 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व भाग 2 बनाने जा रहे हैं। आज के भाग में हम देखेंगे कि चुनाव की प्रमुख पद्धतियां कौन सी हैं। आज के भाग में हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के क्या है उसके बारे में जानेंगे। प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के क्या लाभ और क्या हानियां हैं, उस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें मतदाता स्वयं जाकर वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों का चयन स्वयं करते हैं, और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में हमारे द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि एक निर्वाचन मंडल की तरह काम करते हैं और अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का उदाहरण है, देखिए, जिसमें हम स्वयं वोट डालते हैं, वो है लोकसभा सदस्यों का चयन, विधानसभा सदस्यों का चयन। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का उदाहरण है राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, लेसन 3 भाग 2। आज हम जानेंगे चुनाव प्रणाली के प्रकार। देखिए, जो चुनाव हैं उसके बहुत सी पद्धतियां अलग अलग देशों में अपनाई गई हैं चुनाव करवाने की। आज जो हम जानेंगे वो है प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या है? जब मतदाता अपने उम्मीदवार या प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव। इस प्रणाली के अंतर्गत उम्मीदवार स्वयं मतदाता के पास जाकर वोट मांगते हैं। मतलब जो इलेक्शन में खड़े होते हैं वो लोग खुद आपके घरों में आकर अपने लिए वोट मांगते हैं, और चुने जाने के बाद वो बताते हैं कि वो आपके लिए ये कार्य करेंगे। मतलब अपनी जो उनका एजेंडा होता है वो आपको बताते हैं कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम ये कार्य करेंगे। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रतिनिधि सरकार का गठन होता है जो अधिक उत्तरदायी रहती है। प्रतिनिधि क्या? मतलब हमारे द्वारा चुने गए व्यक्तियों की सरकार का गठन होता है जो अधिक उत्तरदायी होती है। भारत में प्रांतीय विधानमंडल के अधिकतर सदस्य इसी पद्धति के तहत चुने जाते हैं। देखिए, हर राज्य में जब चुनाव होता है तो इसी मेथड द्वारा सदस्यों को चुना जाता है। जब स्थानीय निकाय मतलब पंचायतों के लोकसभा सदस्य का चुनाव इसी पद्धति से होता है भारत में। तो ठीक है जी, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आपको पता चल गई कि जब हम स्वयं जाकर वोट डालकर अपना नेता खुद चुनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अब आइए जानते हैं इसके फायदे क्या हैं या गुण क्या हैं प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के। देखिए, जो सबसे पहला गुण है वो है कि लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न होती है। अगर मान लीजिए हम किसी कार्य को खुद करेंगे तो हम उस कार्य के प्रति जागरूक रहेंगे। अब जैसे हमें वोट डालना है तो हम सोचेंगे कि किस व्यक्ति को वोट डाला जाए, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो अपने दायित्वों का निर्वाह अच्छे से करेगा। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है कि लोगों में चेतना पैदा होती है इससे। दूसरा, इसमें निर्वाचन संबंधी भ्रष्टाचार के पनपने की संभावना कम होती है। अगर वैसे ही हो, किसी व्यक्ति का चुनाव कुछ ही लोगों ने करना हो, तो वहाँ हम ये सोचते हैं कि वो भ्रष्टाचार कर सकता है। मतलब उन गिने चुने लोगों को कुछ पैसे ऑफर कर कर अपने पक्ष में वोट डलवा सकता है। लेकिन अब जब इतनी बड़ी संख्या में वोट डलने हैं तो वो ऐसा काम नहीं हो सकता, तो इसमें भ्रष्टाचार की संभावना कम है। जनता को पूरी स्वतंत्रता है। तीसरा पॉइंट, देखिए, आपके पास पूरी आज़ादी है, आप किसी भी उम्मीदवार को वोट डालें, किसी भी पार्टी को डालें, आपकी अपनी मर्जी है। चौथा,
उत्तरदायी सरकार का जनमत, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम इस बार काम नहीं करेंगे तो अगली बार जनता वोट नहीं देगी। पांचवा, यह प्रणाली लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि इसमें सरकार जनता का सीधा संबंध रहता है। देखिए, क्योंकि जो लोग आकर हमसे वोट मांग रहे हैं वो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा संबंध क्या है, सीधा संबंध। छठा पॉइंट देखिए, इसमें लोगों को राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है, वे अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बने रहते हैं, उन्हें पता चलता है कि इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, वोट देना उनका राइट है, तो इससे उन्हें अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में पता चलता है। अगला है देखिए, इससे सार्वजनिक हित को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जो सरकार चुनी जाएगी वो सभी के हित में काम करेगी, तो ये तो प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के कुछ गुण हैं। आइए अब देखिए, हर चीज़ के जहाँ कुछ अच्छाई है वहाँ कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं, तो इसमें दोष क्या है वो जानते हैं। सबसे पहला दोष खर्चीली है। देखिए, अब इतने बड़े इलेक्शन को करवाने के लिए कितने लोगों की ड्यूटियां लगती हैं, कितने पोलिंग बूथ बनते हैं, उन सबको पेमेंट, जिन लोगों की चुनाव कार्य में ड्यूटी लगती है उन सबको भुगतान किया जाता है, ऐसे जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं वो भी प्रचार प्रसार के लिए इतना खर्च करते हैं, तो सबसे पहला जो दोष है इसमें वो है अधिक खर्चीली। दूसरा, दलबंदी के सभी दोष उजागर हो जाते हैं। देखिए, जब किसी सरकार को प्रॉपर बहुमत नहीं मिलता तो वो दूसरों से गठबंधन करती है। अब गठबंधन में तो आप सभी को पता है कि हर तरह का लेन देन, शर्तें सब कुछ मानी जाती हैं। तीसरा, इसमें चुनाव प्रचार की चकाचौंध के कारण अयोग्य व्यक्ति भी चुना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति को अधिक ज्ञान हो राजनीति का, वो भी चुना जाता है क्योंकि हम उसे फेमस पर्सनैलिटी के रूप में जानते हैं। मान लीजिए आज अमिताभ बच्चन जी इलेक्शन में खड़े हो जाएं, तो पूरी जनता उन्हें वोट दे देगी, चाहे भले ही उन्हें राजनीति की एबीसी भी ना आती हो। तो सबसे बड़ी जो बात है इसमें, चकाचौंध के कारण अयोग्य व्यक्ति भी चुना जाता है। यह जनता के शासन के नाम पर जनता के साथ धोखा है, क्योंकि एक बार चुने गए फिर तो वो अपनी मर्जी से ही नीतियाँ बनाते हैं, जनता से राय थोड़ा ना लेते हैं। आप वर्तमान समय में किसान बिल को देखिए, जो किसान बिल लाया गया है वो किसानों के हक में नहीं है, तो ये शासन जो है जनता के साथ धोखा भी है। इससे चुनावी भ्रष्टाचार अप्रत्यक्ष रूप से पनपने लगता है। देखिए, लोग क्या करते हैं, वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के लालच देते हैं दूसरों को कि आप मुझे वोट दीजिए वोट लेने के लिए, तो भ्रष्टाचार अप्रत्यक्ष रूप से है इसमें। इसमें योग्य व्यक्ति सरकार बनाने में पिछड़ जाते हैं, जो चालाक और बेईमान व्यक्ति होते हैं वो गठजोड़ कर कर जल्दी से सरकार बना जाते हैं इसमें, तो ये कुछ इस प्रणाली के दोष हैं। चलिए, अब ये तो हमने जान लिया अब तक प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के बारे में, तो आइए अब हम जानते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या है। देखिए, प्रत्यक्ष में तो हम अपने नेता का चुनाव खुद कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि एक निर्वाचन मंडल होता है, कुछ मतलब चुने हुए सदस्य होते हैं, वही आगे सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, जैसे कि राज्यसभा में, ठीक है जी। तो ये निर्वाचन मंडल के द्वारा होती है, और जैसे राष्ट्रपति पद का चुनाव जो हमारे द्वारा चुने गए हैं, ये लोकसभा विधानसभा के सदस्य वही आगे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो जो यह प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव पर आधारित है, प्रत्यक्ष रूप से जो प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं वो लोग आगे कुछ और प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। देखिए, हमारे द्वारा चुने गए सांसद, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो आगे ही प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, तो इस तरह की प्रणाली को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली।
इस तरह इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन में भाग नहीं लिया जाता। देखिए इस प्रणाली में क्या है कि जनता भाग नहीं लेती इलेक्शन में, सिर्फ जो प्रतिनिधि हैं वो भाग लेते हैं। इसमें प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव इसी पद्धति से होता है, भारत में भी राष्ट्रपति का चुनाव। देखिए क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी राष्ट्रपति के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हुआ? नहीं है, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों का निर्वाचन इसी पद्धति से होता है। आप सभी को क्लियर हो गया अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, मतलब कुछ चुने हुए सदस्य या प्रतिनिधि जो हैं वो आगे चयन करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। चलिए इसके गुण देख लेते हैं। सबसे पहले इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हैं। देखिए सबसे पहला गुण क्या है, इस प्रणाली के अंतर्गत योग्य और वांछनीय व्यक्तियों का निर्वाचन संभव है, क्योंकि इसमें चुने हुए व्यक्ति ही भाग लेते हैं जिन्हें सुयोग्य व्यक्तियों की परख होती है। तो सबसे पहला वो फायदा क्या बता रहा है कि अच्छे कैंडिडेट्स का चयन होता है इसमें। दूसरा, इसमें दल बंदी का दोष नहीं है। तीसरा, इसमें दलीय उग्रता का अभाव होता है, मतलब कोई भी दल ऐसा नहीं होता जो किसी चीज़ पर अड़ जाए, नहीं हाँ इसी का ही चयन होना है। चौथा, ये भ्रष्टाचार से मुक्त रहती है। पांचवा, इसमें सार्वजनिक मताधिकार और भीड़ तंत्र के दोषों से छुटकारा मिल जाता है। मतलब देखिए एक आम अगर हम इलेक्शन करवाते हैं तो करोड़ों लोग वोट डालते हैं उसमें, फिर उनकी गिनती, उनसे वोट डलवाना, वो सब एक लंबा प्रोसीजर है। इसमें वो सब प्रोसीजर नहीं करना पड़ता, गिने चुने व्यक्ति ही व्यक्तियों का चयन करते हैं, तो उन वोटों की गिनती करना बहुत आसान होता है और जल्दी हो जाती है। आगे देखिए, इसमें निर्वाचन की पवित्रता बनी रहती है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं होता इसमें। ये कम खर्चीली प्रणाली है, कैंडिडेट्स को अपना प्रचार प्रसार करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं खर्चना पड़ता, और पिछड़े हुए देशों के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत कम खर्च होना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके दोष। सबसे पहला क्या है दोष, देखिए ये अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में तो क्या है ना कि जनता ही खुद अपने नेता का चयन करती है, लेकिन इसमें क्या है कि वही चुने हुए व्यक्ति आगे व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं, तो ये अलोकतांत्रिक है। दूसरा, निर्वाचन मंडल के सदस्यों को अधिक सम्मान मिलता है, आम मतदाता को नहीं। मतलब जो निर्वाचन मंडल है जिसने आगे सदस्यों का चयन करना है उन्हें तो पूरी रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन आम लोगों का इसमें कोई रोल नहीं होता। तीसरा, इससे नागरिकों को राजनीतिक चेतना व जागरूकता का ह्रास होता है। देखिए जो प्रत्यक्ष निर्वाचन से तो उनके अंदर चेतना पैदा हो रही, लेकिन इससे उस चेतना में कमी आती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कौन इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, कौन उनका चयन करेगा, तो इस सबसे उनको नॉलेज ज़्यादा नहीं मिलती। आगे देखते हैं, इसमें नागरिकों का मताधिकार और स्वतंत्रता दोनों सीमित हो जाती हैं। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है कि ना तो आपको वोट डालने का अधिकार है इसमें, ना ही आपके पास कोई स्वतंत्रता है। भाई आप ये कैंडिडेट आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप दूसरे को देना चाहते हैं, तो वो स्वतंत्रता भी आपके पास नहीं है। इसमें भ्रष्टाचार जो है वो उच्च स्तर का होता है। कहने को तो कहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा करप्शन ही इन्हीं इलेक्शंस में है। अगला देखिए, इसमें दलबंदी और सांप्रदायिक भावनाएं अधिक प्रबल हो जाती हैं, जहां पर राजनीतिक दल सुव्यवस्थित अवस्था में होते हैं वहां पर यह नाम मात्र की रह जाती है। अमेरिका में सुव्यवस्थित दल प्रणाली के कारण राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष जान पड़ता है। देखिए सभी तरह का काम
हर तरह की सिचुएशंस में चलता है। हो सकता है जो लोग चयन करने वाले हैं वो संप्रदाय की भावना आगे रखें या दल बंदी को ध्यान में रखें, ऐसे व्यक्तियों का चयन करें जो उनके दल के हों, तो ये इस प्रणाली का नुकसान है यानी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।